गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल। इट्स योर मैथ्स क्लास टुडे। प्लीज ओपन पेज नंबर 17 ऑफ चैप्टर 2, एक्सरसाइज बी। सी हियर आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड HCF। देर आर टू मेथड्स, ओके। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल टू मेक आउट विद दिस मेथड्स, ओके। तो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। फाइंड द HCF ऑफ 14 एंड 16 by prime factorization method. Okay students, so आपको number पता है 14 and 16 का, आपको क्या करना है, HCF find out करना है। लेकिन by using prime factorization method, so draw separate tables for given numbers and then start dividing them one by one, okay? So these are even numbers, so they be divisible by 2. See, when the remainder is 1, stop dividing. Similarly, do it with 16. Again, the remainder is 1. Now write down the factors of the given numbers. Factors of 14 are 2 multiplied by 7. Similarly, factors of 16 are 2 multiply 2 multiply by 2 multiply by 2. See, now common factor will be 2 2. 7, there is no 7. We have to take only one the given digit, okay, one of the given digits. See, there is only 1 2, so we have to take only 1 2 from the another factor also, okay. Here is only 7, but there are no 7, so leave them, okay. We don't have to do with these other factors. So the main factor is 2. Hence the HCF of 14 and 16 is 2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपने देखा कि हम दो टेबल ड्रॉ करी है 14 एंड 16 के लिए। 14 और 16 के फैक्टर सेपरेटली निकाल लिए हैं। जो नंबर आप फैक्टर में कॉमन यूज करना चाहते हैं, तो उसमें हमने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा वालों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। सी यहाँ 7 है, बट देर आर नो 7 इन द फैक्टर्स ऑफ 16। सो 2 इज द ओनली कॉमन फैक्टर एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 16। Hello students, let's continue with other method, okay? We have already learned about prime factorization method, okay? Now, we are going to find the HCF of 15, 30, and 150 by using division method, okay? See students, we are going to find the HCF of 50, 30 and 150 by using division method. Step 1, take the smallest number as the divisor. अच्छा, आपने डिवीजन ब्रैकेट्स तो सुने होंगे ना, क्या है ये डिवीजन ब्रैकेट? बट जो नंबर यहां हम लिखते हैं, इसे बोलते हैं डिवाइजर, ओके? जो इसके अंदर लिखते हैं उसे बोलते हैं डिवाइडेंड,
और जब डिवाइड करते चलते हैं इस ब्रैकेट के इस तरफ जिस नंबर को हम लिखते हैं वो होता है क्योटेंट। और इसका फिर हम सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर लिखते हैं वो होता है रिमेंडर। ओके, तो हमने फोर टर्म्स पढ़े अभी अभी, और फिफ्थ वाला टर्म क्या था स्टार्टिंग से बताता हूँ, डिवीजन ब्रैकेट्स, जो डिवाइड देता है वो डिवाइजर, जिसमें डिवाइड दिया जाता है वो डिवाइडेंट, जिस नंबर से डिवाइड दिया जाता है वो क्योटेंट लेकर आता है, और फाइनली जब हम उसका आंसर को लिख देते हैं माइनस कर देते हैं तो बचता है, चाहे जीरो बचे वन बचे कुछ भी एक्स्ट्रा, तो वो रिमाइंडर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप वन। आपको क्या करना है, HCF निकालना है थ्री नंबर्स का। ओके, आप इसे लास्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब आपको थ्री सेपरेट टेबल बनाने पड़ेंगे, अगेन उन सभी थ्री नंबर्स के फैक्टर्स सेम इसी तरीके से लिखने पड़ेंगे, फिर उन सभी में कॉमन देखना पड़ेगा, जो उन तीनों में कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर होता है, और फाइनली HCF वही नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर आएगा। ओके, ज़रूरी नहीं कॉमन फैक्टर एक ही है, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, फिर आप उससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बाई विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये सवाल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो डिविजन मेथड से किया जा रहा है, तो आप दोनों ही मेथड से इस आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, बट आपकी बुक का जो क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिविजन मेथड। आपको दोनों ही मेथड से इसे निकालना पड़ेगा। ओके, HCF बाई डिविजन मेथड, HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे हम फर्दर क्या करेंगे, LCM को भी प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो स्टेप वन क्या है, टेक द स्मॉलेस्ट नंबर एज द डिवाइजर, मतलब जिसे डिवाइड करना है उसमें सबसे छोटी नंबर ढूंढनी है, तो थ्री गिवन नंबर्स में से सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट कौन है, 15। सो लेट्स टेक, सिमिलर पैटर्न है, आप एग्जाम्पल से भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू टीच यू विथ स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो प्लीज इसे केयरफुली नोटिस करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डिविजन ब्रैकेट्स, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है इनमें, यू कैन सी 15, डिवाइजर। स्टेप टू क्या है, टेक द स्मॉलर नंबर एज द डिविडेंट, मतलब डिविजन ब्रैकेट के अंदर जो नंबर जिसमें डिवाइड दिया जाता है वो स्मॉलर होनी चाहिए, 150 तो सबसे बड़ी है, तो स्मॉलर कौन हुई 30, और स्मॉल एज सबसे छोटी 15, वो हो गई डिवाइजर। अब डिवाइडेंट होगा 30, तो डिविडेंट क्या है 30। सो लेट्स चेक क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है या रिमाइंडर जीरो आता है, नहीं, 15 टूज इज 30, सो रिमाइंडर इज जीरो, तो हमारा एग्जैक्टली जीरो आ गया है। बट स्टेप थ्री क्या कहता है, इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, बट हमारा तो जीरो आ गया ना, तो हमें इस कंडीशन को ध्यान नहीं देना है, इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन चेंज द प्लेसेस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर। अरे ऐसा नहीं होता ना, तो हम क्या करते जानते हो, यहाँ जीरो नहीं आता, या मान लीजिए सपोज कीजिए वन आता, टू आता, कोई भी नंबर होता है जीरो को छोड़ के, तो उसको हम फिर डिविडेंड की डिवाइजर की जगह ले आते और इस नंबर को इस जगह पे ले आते, मींस वो रिमाइंडर बन जाता, फिर उसमें डिवाइड देता नया नंबर। कैसे, मैं उसका भी एक एग्जांपल दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज 15 ने से डिवाइड कर दिया है, सो 15 एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। आपने देखा कि इसने फर्स्ट टाइम में इसे पूरा क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर जीरो ला दिया है, तो 15 एग्जैक्टली डिवाइड करता है गिवन नंबर। आपको एक लैंग्वेज यूज करनी है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 150, अगेन ड्रॉ ए डिविजन ब्रैकेट, बिगर नंबर को डिविडेंड कर देंगे, एंड डिवाइड किससे देना है, जिस नंबर ने हमें रिमाइंडर जीरो दिया है, सो 15 से डिवाइड देंगे, 15 टेंस इज 150, सी अगेन रिमाइंडर क्या आया, जीरो। अब आप एक फाइनली लाइन लिखेंगे, हैंस द HCF ऑफ 15, 30 एंड 150
इज 15. 15 ही वो नंबर है जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. और वैसे भी अगर आप नोटिस करें तो 15 की टेबल में क्या होता है, ये थ्री नंबर्स जरूर आती हैं. तो 15 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वही नंबर जो उसकी टेबल में आती है या उसे पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, वो HCF होता है. ओके, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन एंड प्लीज ट्राई सम मोर एग्जाम्पल्स एट योर होम. ओके, आपको घर पे कुछ एग्जाम्पल ट्राई भी करने हैं तब जाकर ये मेथड्स आपको बहुत ईजिली आ जाएंगे. आप कुछ नहीं करना है, टेबल ड्रॉ करिए, डिवाइड करिए, फैक्टर्स निकालिए, कॉमन फैक्टर दिखाइए, वो HCF है. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था. नंबर टू मेथड, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने नहीं है, फॉलो करने हैं. तो सबसे छोटी नंबर को लेते हैं जिसे डिवाइड दिया जाए, फिर उससे बड़ी नंबर में डिवाइड दिया जाता है. अगर वो जीरो रिमाइंडर ले आता है तो इसी नंबर से हम रिमेनिंग नंबर थर्ड वाली जो रह जाएगी उसमें डिवाइड देंगे. ओके, आप इन दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडीइंग. योर अपकमिंग एग्जाम्स मस्ट बी मोर टफ. ओके, सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स. We have to find the HCF of 44, 121 and 132 by division method. हम ऑलरेडी सीख चुके हैं HCF और LCM दोनों ही आपके टॉपिक्स हैं. तो इनमें जो HCF आपको निकालना है means highest common factor. ओके, इन तीन नंबर्स का निकालना है. और स्टेप्स मैं ऑलरेडी आपको नोट डाउन करा चुका हूँ प्रीवियस एग्जाम्पल में, चेक द वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट, 44. सो लेट्स ड्रॉ अ डिवीजन ब्रैकेट. 44 इज द डिवाइजर. नेक्स्ट नंबर कौन सी है आपकी जो स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट नहीं है. 132 इज द ग्रेटेस्ट, उससे छोटी 121 और उससे सबसे छोटी 144. ये डिवाइजर है तो हम इसे बड़ी वाली नंबर को बना देते हैं डिवाइडेंट. नाउ लेट्स ट्राई 44 टू ज 88. सी वी गेट 33. क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो आया? नो. आप सोचेंगे सर अभी डिवाइड कहाँ हुआ है, अभी तो हम कंप्लीट करेंगे. सी 44 की टेबल में 33 नहीं आता है. इट मीन्स अब हम क्या करेंगे आप जानते हैं, अब हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे. इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन चेंज द प्लेसेस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो चेंज कर दीजिए प्लेस डिवाइजर और रिमाइंडर की. मींस जो हमारा डिवीजन ब्रैकेट है उसमें डिवाइजर और रिमाइंडर को आपस में हम चेंज कर देंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर की जगह रख देंगे और डिवाइजर को रिमाइंडर की जगह, समझे? और फिर वहां से हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे. इसमें उल्टा होता है, अब तक आपने जितना डिवीजन सीखा है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है बट इजी है. आपको बस याद रखना है कि जहां रिमाइंडर जीरो ना आए वहां रिमाइंडर को चेंज करके डिवाइजर बना दो और डिवाइजर को रिमाइंडर बना दो, फिर देखना हो कितनी जल्दी डिवाइड हो जाएगा. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मीन टू से डिवाइजर विल बिकम डिविडेंट एंड रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर. अब स्टेप फोर क्या है, फिर आप कहोगे सर इससे क्या होगा, देन कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस अनटिल द रिमाइंडर इज जीरो. और जब तक आपको उनकी प्लेसेस चेंज करते रहती हैं, जब तक उनका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए. ओके, अनटिल द रिमाइंडर इज जीरो प्लीज कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, 33 आपका रिमाइंडर आया है बट वे 44 की टेबल में नहीं आता है, तो हम देखे क्या करते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं. 33 क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर. और यहां से हम डिविजन कंटिन्यू करेंगे. 33 रिमाइंडर जो है ना वो अब डिवाइजर बन गया है. देखिए एक और डिवीजन ब्रैकेट मैंने चालू कर दिया, इस 44 को अब डिविडेंड बना दो. 33 वंस इज 33, सबट्रैक्ट कीजिए 11. सी अब 33 के टेबल में फिर से क्या है, 11 नहीं आता, चेंज. 11 अब कौन बन जाएगा, डिवाइजर, और वो कौन बन जाएगा, डिविडेंट. 11 थ्री जा 33, अगेन सबट्रैक्ट, क्या है, रिमाइंडर जीरो. सो आपको कौन लेकर आया रिमाइंडर जीरो. स्टेप फोर क्या था, कीप डिवाइडिंग, मतलब जब तक डिवाइड करते रहिए और साथ साथ कीप चेंजिंग द प्लेसेस, जगह भी बदलते रहिए. पहले 33 रिमाइंडर बचा था वो डिवाइजर बन गया, फिर उससे हमने डिवाइड दिया 11 आया रिमाइंडर, 11 डिवाइजर बन गया, फिर 33 डिविडेंड बन गया. तो चेंज करते रहेंगे हम प्लेसेस. ओके, जब तक क्या नहीं आ जाए, रिमाइंडर जीरो. तो स्टेप फोर हमने फॉलो किया और आपका रिमाइंडर जीरो आ चुका है. तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, सो
11 exactly divides the given numbers. तो दी गई numbers को क्या है, 11 exactly divide करता है. आप देख सकते हो 11 की table में 44 भी आता है. 11 fours is 44 और 121 हमने लिया. आपको पता है 11 11s होते हैं 121. Means square of 11 क्या है, 121. Square क्या होता है, means 11 को अगर 11 से ही मल्टीप्लाई करें तो उसे square कहते हैं. ऐसे अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो 2 का स्क्वेयर कहेंगे, स्क्वेयर ऑफ 2. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर ऑफ 3. तो ये अदर टॉपिक्स हैं, आपको अलग ध्यान रखना है. ओके, इट्स नॉट नोटेबल पॉइंट्स. सो 11 11 इज 121. ओके, सो 11 एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर 44 एंड 121 जिन्हें हमने पहले लिया था. फाइनल एक नंबर बची है, यू कैन सी 132. आप क्या करेंगे, किसने एग्जैक्टली डिवाइड किया है, 11 ने. आपको लैंग्वेज यूज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत बार बता चुका हूँ. नाउ अगेन ड्रॉ डिविजन ब्रैकेट्स और थर्ड नंबर 132 को डिवाइड डेंट कर देंगे और डिवाइजर होगा इस बार 11. 11 वंस इज 11, रिमेन 2. हमने 2 को भी नोट डाउन कर लिया बिलो. 11 टूज इज 22, अगेन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 0. तो अब आप लिखेंगे हैंस, मतलब एट लास्ट द एच सी एफ ऑफ 44, 121 एंड 132 इज 11. तो इसका जो क्या था रिक्वायर्ड आंसर, 11, क्योंकि 11 फोर सा 11 इलेवन सा और आपको पता है 11 ट्वेल्व सा कितने होते हैं, 132 होते हैं. तो देखिए थर्ड नंबर आपकी क्या है, 132, 11 इलेवन सा 11 फोर सा एंड 11 ट्वेल्व सा. This is the required answer. Okay? Thank you. आपका ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया है. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 to question number 8 खुद ही इसे सॉल्व करेंगे आप. ओके, डू इट योरसेल्फ.